नमस्कार दोस्तों, खंडाज किचन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं बनाऊंगी ओट्स डोसा, साथ में बनाऊंगी एक रेड कलर की चटनी जिसे डोसा के अंदर डाला जाता है और जिसका नाम है केम्पू चटनी। तो इस चटनी की रेसिपी मैं वीडियो की लास्ट में डालूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है, इसके अंदर मैं ले रही हूँ करीब 1 कप इंस्टेंट ओट। आप रोल्ड ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्टेंट ओट रोल्ड ओट से थोड़ा सा पतला होता है और ये जल्दी पकता है, बट आप इस रेसिपी के लिए दोनों ही ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर पानी डाल के इसे करीब 1.5 घंटे के लिए मैं भिगो के रख दूँगी। तो पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डालोगे तो कोई परेशानी नहीं है, बाद में हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे यानी कि छान लेंगे। तो इसे साइड में रखेंगे और लेंगे मूंग दाल। मैंने यहाँ पर 1/3 कप मूंग दाल लिया है। तो मूंग दाल को मैंने पहले से धो लिया है, इसके अंदर भी पानी डाल के इसे ढककर मैं 1.5 घंटे के लिए साइड में रख दूंगी, अच्छे से भीग जाएगा। तो अब 1.5 घंटे के बाद हम देखेंगे हमारा ओट्स, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ओट्स भीगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि दाल को भीगने में टाइम लगता है, इसलिए हमने एक साथ ही इसे भिगो दिया था। तो इसे हमने स्ट्रेन कर लिया है। अब इसको मैं एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल दूंगी। साथ में जो मूंग दाल भिगो के रखा था उसे भी देख लेते हैं, ये भी अच्छी तरह से भीग चुका है। इसका भी पानी हम निकाल लेंगे और इसे भी मिक्सी के अंदर हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे मैंने काट लिया है पीसेस में, और 1 हरी मिर्च। आप मिर्ची अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ में स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर डाल रहे हैं। आप पहले बिना पानी के भी पीस सकते हो क्योंकि ओट्स के अंदर बहुत सारा पानी ऑलरेडी है, तो हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो हमने पीस लिया है और ये जो बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी ही होगी जैसे हम डोसे के लिए बैटर बनाते हैं, वैसी ही कंसिस्टेंसी हमें रखना है। इसे हमने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसका हम डोसा बनाएंगे। एक कास्ट आयरन की तावा गरम करके उसमें थोड़ा सा पानी हमने छिड़क दिया है, इसको पोंछ लेंगे और इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को भी हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, ज़्यादा ऑयल तावे के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा ड्राई टिश्यू के साथ भी इसे अच्छे से पोंछ लिया है। अब इसमें 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे डोसा बैटर और इसे हम धीरे धीरे घुमाते रहेंगे। इसे आपको बहुत हल्के हाथों से करना है, तो जितना हो सके हम इसे स्प्रेड कर देंगे। और इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे, थोड़ा सा इसका जब सरफेस ऊपर से सूख जाएगा तब हम इसमें 1 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे। और उसके बाद जो हमने चटनी तैयार किया है केम्पू चटनी, इसकी रेसिपी आपको इस वीडियो की लास्ट में मिल जाएगा। आप जरूर वीडियो को लास्ट तक देखें। उसे ऐसे हम डोसा के ऊपर लगा देंगे और साथ में हम, अगर आप मसाला डोसा बना रहे हो तो उसमें आप आलू भी ऐसे ऐड कर सकते हो, और साथ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिया भी डाला है। और इसे हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हल्का सा, और इसे दोनों तरफ से धीमी आंच के ऊपर सेक लेंगे। अगर आपको क्रिस्पी डोसा चाहिए तो इसे आपको धीरे धीरे सेकना पड़ेगा धीमी आंच के ऊपर, अदरवाइज आप इसे मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर भी सेक के तैयार कर सकते हो। तो हमारा मसाला डोसा ऑलमोस्ट रेडी है। इसे हम कोकोनट चटनी के साथ सर्व कर देंगे। तो अब हम
केम्पू चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। केम्पू चटनी को आप डोसा के साथ साथ कोई भी सूखी जब आप सब्जी बनाते हो उसके अंदर भी डाल सकते हो, ये बहुत अच्छा लगता है। इसे आप फ्रिज के अंदर 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मिर्ची ले लिया है, ये मीडियम तीखा वाला लाल मिर्च है, इसका मैंने सीड्स निकाल दिया है ताकि ये तीखा ना लगे। साथ में जो मिर्ची की जो सीड्स है वो मुँह में आता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। पानी डालने के बाद इसे हमें 4 से 5 घंटे तक सोक करना है। इसे आप रात भर सोक करके रख सकते हो और दूसरे दिन बना सकते हो। तो 4-5 घंटे के बाद मैंने कढ़ाई ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल करीब 2 टेबलस्पून। इसे गरम करके इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जीरा 1 टीस्पून। जीरा को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और अब इसमें डालूंगी प्याज, एक मीडियम साइज प्याज मैंने काट लिया है, इसे ऐड कर दूंगी। साथ में ऐड करूंगी 7 से 8 कली लहसुन की, 4 से 5 करी पत्ता भी इसमें मैं डाल रही हूँ। आप सभी चीज़ों को फ्राई करना है, इसे हल्का फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं होने देंगे। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं मिलाऊंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये कलर के लिए डाल रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। इसे डालने के बाद थोड़ा सा हम फिर से इसे फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए। अब जो हमने मिर्ची भिगो के रखा था उसको निचोड़ लेंगे उसका पानी, और उसे भी कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे और इसे कुछ देर तक हम पकाएंगे। थोड़ा सा जब पानी इसका सूख जाएगा तब तक ही हमें पकाना है, ज़्यादा देर नहीं, करीब 10-15 सेकेंड हम इसे कुक करेंगे। अब सारे मसालों को अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर हम मिला देंगे इमली, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इमली ऐड किया है, आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। साथ में चना दाल डाल दिया है 2 टेबलस्पून और डाला है स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे और इसका एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हम बना लेंगे। तो हमारी चटनी रेडी है, हम इसे खोल के देखते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पीस चुका है। इसे आप डोसा के साथ साथ किसी भी सब्जी के अंदर भी डाल सकते हो, ये बहुत बढ़िया लगता है। तो इसे आप फ्रिज के अंदर 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हो। अगर ज़्यादा दिन रखना चाहते हो तो थोड़ा सा पीस मसाले को पीसने के बाद आप इसे फिर से ऑयल डाल के थोड़ा सा पका लीजिए और इसे आप फिर फ्रिज में रखिए, तो ये 7 से 8 दिन तक अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल खानराज किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।